आदाब आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में जिसमें हम बात करेंगे उर्दू के नवी जमात के तलबा तालिबात के लिए और उर्दू का सबक लेकर आए हैं हम और आज के इस इंटरेक्शन में हम बात करेंगे एक नज्म पर और जिसका मौजू है एक आरजू तो शायर की क्या आरजू है क्या इच्छाएं उन्होंने बताई हैं और क्या कहना चाहते हैं वो इस नजम के ज़रिए आपको बताएंगे हमारे माहिर जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं आप हैं प्रोफेसर मोहम्मद फारूक अंसारी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया और सर का ख़्याल मकदम करती हूँ मैं और आप सभी को हम बता दें नाज़्रीन की सर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेजेज़ एन सी नई दिल्ली से हैं और कोई भी सर, सवाल आपके मन में आ रहा हो अपने सभी सवालतों से आप हमारे माही को आ, अवगत करा सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं आप हमें ईमेल करेंगे हमारा ईमेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास नाइन्थ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन तो इन जरियों से आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने सभी सवालत के साथ और इस नज़म को हम शुरू करेंगे और अपने विशेषज्ञ के पास अपने माहिर के साथ हम जाना चाहेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे सर जैसे हमने बताया कि एक नज़म है एक आरज़ू तो यकीनन इसमें जो शायर है वो अपनी आरज़ू के बारे में बात कर रहा है लेकिन इस नज्म को शुरू करने से पहले जानने से पहले हम इनके शायर के बारे में जानना चाहेंगे कि किन्होंने इस नजम की रचना की है सर एक आरज़ू नजम जो है इसके शायर हैं मोहम्मद इकबाल इकबाल okay. बहुत मशहूर शायर हैं उर्दू के और बीसवीं सदी के सबसे बड़े शायरों में उनका शुमार होता है उनकी शायरी की बहुत सारी खूबियाँ हैं उससे पहले बहुत ही मुख्तर तौर पर अगर उनकी ज़िंदगी की बात करें तो 1877 में उनकी पैदाइश हुई थी सयालकोट में और वहीं उनकी इब्तदाई तालीम और फिर उसके बाद उन्होंने लाहौर में तालीम हासिल की और फिर बाद में आला तालीम के लिए वो यू, यूरोप चले गए यूरोप और इंग्लिस्तान से उन्होंने फिर आला तालीम हासिल की और फिर उसके सफ़र के बाद जो है फिर वो वापस हिंदुस्तान आ गए और आ, फिर लाहौर में क़्याम किया उन्होंने तो ये है और उन्नीस में उनका इंतकाल हुआ है उन्होंने अपनी शायरी एक, एक में जो है वो ख़ास तौर से पैगाम जो है ज़िंदगी का वो देने की कोशिश की है फ़िक्र को ज़ाहिर किया है यानी जो फ़िक्र है इस कौम की भलाई के लिए इस मुल्क की भलाई के लिए आवाम की भलाई के लिए क्या बेहतरी हो सकती है किस तरह से वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने शायरी के ज़रिए जो है पैग, जो है पेश की है तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी शायरी को अपने पैगाम और फ़िक्र के इजहार का एक ज़रिया बना लिया था जी। और उनकी दूसरी एक और बड़ी ख़ूबी ये है कि उनके जो हरकत अमल की बात करते हैं यानी हरकत की बात करते हैं अमल की बात करते हैं इंसान जो ख़ूबियाँ हैं इंसानियत की बका के लिए वो उसको वो ज़रूरी समझते हैं तो ये जो पहलू हैं वो उनकी शायरी के अहम पहलू हैं जो ये नज़म है एक आरसू आ, ये उनके जो इब्तदाई कलाम है यानी जो उनका इब्तदाई ज़माना है आ, बांगे दरा आ, की नजमों में शुमार है तो ये उस दौर की शायरी जो है हालांकि उस बात की धीरे धीरे जो है उनकी शायरों में जिंदगी का फलसफा और दूसरे बहुत से अवामिल इसमें शामिल होते गए और फिर बाद में वो एक फ़लसफ़ी शायर की हैसियत से अमल हम सब लोग उनको पढ़ते हैं और उसी हैसियत से उनको जानते भी हैं तो ज़िंदगी के जो फ़लसफ़े हैं और वह ही बारीक जो फलसफ़े हैं हुँ. जिसको उन्होंने एक बिना फ़लसफ़े को समझे हुए हम उनके उन तमाम बातों को समझने में दुशारी महसूस करते हैं तो वो तमाम तरफ जो शायरी है वो फलसफे ऐसे इसीलिए उनको फलसफी शायर भी शुमार किया जाता है ये जो नज़म है चूँकि इब्तदाई ज़माने की नज़ है लिहाजा इसमें जो है नस्बता जो है बहुत ही आसान और सदा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं आ, रवा है बहुत ही बाक़ी अगर कलाम की बात करें तो उनके मुकाबले में नस्बता बहुत आसान आ, नजमों में इसका शुमार किया और भी बहुत सारी बांग दरा की जो इब्तदाई दौर की जो नज़में हैं जो बांग दरा में शामिल हैं तो उसमें इनको शामिल किया जाता है तो ये तो बात हुई इस शायर के बारे में इस नजम की अगर हम बात करें तो इस नज्म में क्या कहा गया है देखिए नज्म की जो बात है शायर जाहिर है से जाहिर होता है कि आरजू की बात कर रहे हैं आरजू यानी ख्वाहिश तो हर शख्स की अपनी ख्वाहिश होती है हर एक की एक अपने जैसा मिजाज होता है जैसे उसकी फिक्र होती है उसी हिसाब से उसकी अपनी ख्वाहिश भी होती है तो यहाँ एक ख्वाहिश जो है वो इकबाल ने बयान की है और वो ख़्वाहिश ये है कि ये जो दुनिया की आ, हंगामा आरई है या दुनिया का जो शोर है इन सब तमाम चीज़ों से जो है वो उकता गए हैं और उकताने के बाद वो चाहते हैं कुछ ऐसी जगह या सुकून आ, या सुकूत जो है आ, तलाश कर रहे हैं कि जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो बिल्कुल सुकून हो लेकिन इस खामोशी के साथ साथ जो है वो अपने मकसद को भी नहीं भूलते हैं और वो मकसद है इंसानियत की बेहतरी के लिए क्या चीज़ हो सकती है तो मकसद आ, को इसमें शामिल करके जो है इस अपनी ख्वाहिश को पेश किया है उन्होंने कि किस तरह से जो है जो इंसानी ज़िंदगी है वो कैसे बेहतर हो सकती है क्या शक्ल लेनी चाहिए उसको जिससे कि तमाम आलम को उससे फ़ायदा हो सके तो ये तमाम पहलू हैं जो इस नज़म में उन्होंने पेश किए हैं दूसरी और बड़ी चीज़ ये है कि ये उस दौर का कलाम है जब रुमानियत जो है ख़ासी अहमियत रख रही थी और बहुत सारे शायर जो थे वो रोमानवी शायरी से मुतासर थे हालांकि जदीद नज्म की शुरुआत हो चुकी थी हाली और मोहम्मद हुसैन आजाद के ज़रिए हो चुकी थी जिसमें उन्होंने शायरी में मनाजर फितरत के साथ साथ जो मकसद को पेश करने की जो है कोशिश की थी और वो मिसालें सामने रखी थी ताकि लोग जो हैं फिर उसकी रोशनी में और आगे बढ़ सके तो ये एक बड़ी दूसरी एक और चीज़ थी उसमें ये कि बात के जो शहरा थे उसमें एक जितनी भी जिंदगी के जो हंगामा आ रही और यह उससे एक तरह जो मसाइल थे उनसे फरारीत की बात नजर आती है यानी फरार राह फरार इख्तियार करें ये चीज़ जो है सब जगह तो नहीं है इकबाल के यहाँ राह फरार नहीं है वो इन तमाम चीज़ों से दूर रहकर अपने मकसद को नहीं भूलते हैं वो मकसद जो है ख़ास अहमियत रखे इस नजम की सबसे बड़ी ख़ूबी यही है कि इसमें उन्होंने सुकून के साथ साथ या जो भी चीज़ें उन्होंने बयान की हैं चाहे वो मनाजर फितरत की हवाले से जो फितरत के मनाजिर हैं बहुत खूबसूरती से बयान किया है उनको उसके साथ साथ मकसद को भी साथ साथ रखा है और उस मकसद को बयान किया है ये इस नज़ की खूबी है जी तो सर ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी तलबा तालिबात जुड़े हैं वो यकीनन जानना चाहते हैं कि नज़म में क्या और ख़ास बातें शुमार की गई हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि नज़म को हमारे सभी नाज्रीन के साथ जी मैं वक्त कम है बहुत उसमें तशरी करना तो मुश्किल है लेकिन हुँ. उसका जुज़ जो है वो हुँ. आपके सामने रख सकता हूँ नज्म इस तरह से शुरू होती है कि दुनिया की महफिलों से उगता गया हूँ यार अब क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो यानी एक वो कैफियत होती है कि जब हम तमाम जो महफ़िल शोर हंगामे ए, इनसे एक तरह से उकता गए हैं और उकताने के बाद जो है अपने रब से अपने खुदा से जो है हम दुआ करते हैं तो वो कह रहा है कि अय खुदा मैं दुनिया की महफ़िलों से उकता गया क्या लुफ्फ़ुमन का जब दिल ही बुझ गया हो यानी अंजुमन का इस महफ़िल का क्या लुत्फ हासिल हो जब दिल ही बुझा हुआ हो यानी दिल में कोई जोश कोई ए, खुशी ना हो तो इसका कोई लुत्फ़ नहीं हो सकता है दिल उदास है बुझ गया है इस तरह से जो है वो बात को शुरू की गई है किया, किया गया है ए, दुनिया की महफिलों से उबता गया हूँ यार अब क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो से भागता हूँ दिल ढूँढता है मेरा ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो यानी शोरगुल शोरिश आ, जो है उससे मैं अब दूर हटना चाहता हूँ भाग रहा हूँ अब मेरा दिल जो है वो ऐसा सुकूत सुकूत यानी साइलेंस खामोशी जो है तलाश कर रहा है जिस पर तकरीर भी फिदा हो तकरीर यानी बात को कहने यानी ऐसा सुकून हो जहाँ पे तकरीर भी असर रखती हो बात भी जो है वो असर रखती हो ऐसा सुकूत होना चाहिए मरता हूँ खामोशी पर ये आरजू है मेरी दामन में कोह के एक छोटा सा झोपड़ा हो यानी मैं खामोशी के लिए जो है वो परेशान हूँ उस पर मर रहा हूँ और ये मेरी आरजू है कि ह यानी पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा झोपड़ा होना चाहिए यानी जो उसका दामन होता है पहाड़ों के दरमियान वादियों में अगर आपने देखा होगा वह ख़ूबसूरत होता है वह इलाका तो उसके दरमियान एक ऐसा छोटा सा एक घर होना चाहिए जहाँ पर मैं खामोशी से रह सकूँ या मुझे वहाँ खामोशी ही खामोशी नज़र आए ज़्यादा शोर शराबा ना हो आज़ाद फिक्र से हूँ उज़लत में दिन गुजारूं, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो आज़ाद फ़िक्र से यानी जो दुनिया भर की हमें जो फ़िक्र होती है परेशानियां होती हैं ये जो सोचने हर चीज़ें जो है हमें हर वक्त एक 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 चीज़ की फ़िक्र करनी होती है तो दुनिया की जो फिक्र होती है उससे मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ और उजलत में दिन गुजारूँ यानी कि तन्हाई में मैं अपना वक्त गुजारूँ या गोशे में कह सकते हैं बिल्कुल अकेले कोने में बैठ कर कर जो है वहाँ पर अपना वक्त गुजारूँ दुनिया के ग़म का दिल से कांटा निकल गया हो यानि ऐसा हो कि दुनिया का जो गम है वो दिल से कांटा निकल गया यानी ये जो ग़म है वो हमसे दूर हो गया हो लज्जत सरोद की हो चिड़ियों की चहचहों में लज्जत सरोद की हो चिड़ियों के चहचह चहों में चश्मे की शोरशों में बाजा सा बज रहा हो अब देखिएगा कि इन तमाम चीज़ों में बहुत सारी मतजाद चीज़ें आ गई अपोजिट चीज़ें इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ इसमें लज्जत सरोद की सरोद यानी नगमा आवाज़ जो नगमा है उसकी लज्जत आनी चाहिए किसमें चिड़ियों की चहचाहट में यानी आप उस मंजर पर तस्वर कीजिए जहाँ पर बिल्कुल आ, सुनसान इलाका है पहाड़ों के दरम्यान है वादियाँ हैं वहाँ पर सिर्फ चिड़ियों का जो शोर है वो इस तरह से नजर आ रहा हो जिस तरह से नगमा आ, सुनाई पड़ रहा चश्मे की शोर शो में चश्मा यानी जो झरना है उस झरने का जो शोर है या उस झरने का की जो आवाज़ है वो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि बाजा सा बज रहा हो यानी एक नग़मा सा गा रहा हो वो गल गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का सागर ज़रा सा गोया मुझको जहाँ नुमा हो यानी गुल की कली गुल यानी फूल हुँ. कली गुल की फली आ, कली जो है यानी फूल की जो कली है वो चटक कर यानी जब खिलती है खिलना शुरू करती है तो चटक कर पैगाम दे किसी का वो हुँ. पैगाम दे रही हो पैगाम किस तरह से दे रही हो इस तरह से सागर जरा सा, सागर यानी प्याला जो होता है प्याला हो छोटा सा गोया मुझको जहाँ नुमा हो और वो इस तरह का हो जिस तरह से जहां को देख सकता हूँ दुनिया को देख सकता हूँ जहाँ दुनिया नुमा दिखाई देना आ, वाला तो ऐसा मुझे जो है वो यानी वो बिल्कुल यूं महसूस हो कि वो कली जो चटक रही है तो उसमें मुझे दुनिया आ, दिखाई नजर दे रही है या दिखाई पड़ रही है वो मुझे तो ऐसा वो और ये जो है उस वाक़े की तरफ भी इशारा करती है कहते हैं कि एक बादशाह था जमशेद जिसका नाम था और उस जमशेद मैनोशी का बहुत आ, बड़ा वो परस्तार था वो लेकिन उसने एक प्याला ऐसा बनवाया था साहरी या कह लीजिए जादूगरी जो उसमें जादूगरों की मदद मतलब से उसने एक प्याला ऐसे बनाया था कि उस प्याले के अंदर यानी वो था तो शराब का प्याला लेकिन उसके अंदर उसको दुनिया की एक एक चीज़ हरकत करती हुई नज़र आती थी ओके okay. तो वो सागर था एक जिसकी उसकी मिसाल जो है या जिसको हम कहते हैं तलमी कहते हैं शायरी में जब इस तरह की बात जब इस्तेमाल की जाती है तो वो जो सागर है उसको वो मुनासबत यहाँ पर इकबाल दे रहे हैं कि कली का चटकना जो है उससे जो पैगाम मिल रहा है वो इस तरह का हो जिस तरह से सागर में मुझे दुनिया की खबर या दुनिया की रहनुमाई मिल रही हो हो आत हाथ का सरहाना सब्ज़े का हो बिछौना शर्माए जिससे जलवत खलवत में हो अदा हो यानी बिल्कुल जिस तरह से बेनियाजी होती है हमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए ज़िंदगी के लिए जब हम आ, बिल्कुल आ, अकेले तन्हाई में कहीं जहाँ सुकून से रहना चाहते हैं वहाँ पे ज़्यादा साजो सामान ना हो बल्कि बस यूं ही जो जरूरी चीजें हो वो उस तरह की वहां पर हमारे पास होनी चाहिए यानी सब्जी का बिछौना सब्जा यानी हरी घास जो है okay. जो हरियाली है वो हमारा बिछौना होना चाहिए और हाथ जो है उसका सराहना होना यानी हमें किसी तकिए किसी और किसी ए, मदद की जरूरत नहीं है उसके हम सिर्फ हाथ का ही आमतौर पर जब हम सोते हैं तो हुँ. हाथ का पर सर रख कर सोते हैं यानी सरहाना उसको बना लेते हैं हो हाथ का सरहाना सब्जे का हो बिछौना शर्माए जिससे जलवत खलबत में वो अदा हो जलवत यानी लोगों की जो महफ़िल होती है यानी इतना सुकून हो इतना मुझे एतमीनान हो कि जिसको देखकर जो दुनिया या जो लोगों की महफ़िल है या लोगों की जो मौजूदगी है वो भी जो है उस पर रश्क करे उसको वहां पे शर्मिंदगी का एहसास हो खलबत खलबत में वो अदा हो यानी तन्हाई जो है वो मेरी वो उसमें वो अदा होनी चाहिए तो कितनी खूबसूरती से जलवत और खलबत लफ्ज का इस्तेमाल किया है मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल नन्हे से दिल में उसकी खटका न कुछ मेरा हो मानूस यानी जिससे क्लोजनेस हो या जिससे वाकफियत हो या जिससे उनसीयत हो वो मानूस यानी वो बुलबुल बुल जो है वहाँ पर नाजुक से छोटा सा परिंदा होता है वो आ, उसको ये ख़तरा होता है किसी को आहट पाता है तो फ़ौर ही जो है उड़ जाता है उसके लिए भी कहा है कि बुलबुल जो है जो वहाँ पर नगमा सरा है वो भी मुझसे मानूस हो यानी उसको भी मुझसे उनसी तो कोई ख़तरा ना हो उससे नन्हे से दिल में उसके खटका ना कुछ मेरा हो यानी मेरे होने से या मेरे वजह मेरी तरफ़ से उसको कोई खटका ना हो कोई उसको ख़तरा ना महसूस हो रहा हो इस तरह से जो है ऐसी सूरत वहाँ पर होनी चाहिए आगे और बढ़ते हैं बहुत खूबसूरत मंज़र बयान किया सफ़ बांधे दोनों जानब बूटे हरे हरे, हरे हों नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो यानी सफ़ बांधे दोनों जानेब दरिया बह रहा है जो है दरिया वो तो जो पानी बह रहा है उसके दोनों जो है बूटे जो छोटे छोटे पौधे जो हैं वो जो बूटे हैं हरे हरे वो सफ बांधे यानी बिल्कुल इस तरह से खड़े हुए हैं जैसे हम सफ बांधे यानी अदब से जब खड़े होते हैं तो वो सफ बांधे हुए खड़े हुए हैं और पानी इस कदर साफ है नदी का साफ़ पानी इस तरह से है कि वो तस्वीर ले रहा है जैसे तस्वीर उसमें ली जाए तस्वीर किसकी होगी ज़ाहिर है उस कोह की या पहाड़ की होगी जिसका अक्स वहाँ पर पड़ रहा होगा या उसकी तहकी वो चीज़ साफ नज़र आ रही होगी हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा कोहसार जो झरना है उसका नज़ारा इतना दिलफरेब होना चाहिए या इतना दिलफरेब हो कि पानी की जो मौज है वो भी खुश हो रही है और खुश हो रही है इस तरह से जब वो लहरों का मचलना होता है पानी जब गिरता है तो आपने देखा है पानी उछल रहा होता है मचलता है तो उठ उठ के देखता हो यानी जो उसकी मौज है वो भी उठ उठ के देखती हो ऐसा खूबसूरत या फरेब नजारा होना चाहिए आगोश में जमी के सोया हुआ हो सब्जा फिर फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो यानी आगोश में जो जमीन ज़मीन में जो सब्ज़ा सोया हुआ है जो हरियाली है वो चोई हुई है सोई हुई है वो इस तरह से सोई हुई है कि झाड़ियों के अंदर जो पानी जो है इधर उधर घूम घूम के चमक रहा है इसी तरह से और भी ए, इसी मंजर को और भी खूबसूरती से बयान किया गया तो आपने देखा यहाँ पर वो किस तरह के सुकून की तलाश में है ये दुनिया के जो हंगामा आरियाँ आरइयाँ हैं क्योंकि जो वो दौर है जिस दौर का ज़िक्र किया गया है उस दौर में हंगामा आरइयाँ बहुत हैं उन हंगामा आराइयों से वो परेशान होकर बेचैन होकर वो सुकून की तलाश चाहता है वो चाहता ऐसी जगह पर हो जहाँ पर उसको खुशी हासिल हो मुकम्मल सुकून हो कोई शोर कोई आवाज उसको ना सुनाई दो लेकिन उसको ये ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद नजर आनी चाहिए पानी होना चाहिए दामन यानी ऐसी जगह पर घर हो जहाँ पर पहाड़ों के वादी में या दामन वादियों के दामन में जो है एक छोटा सा घर छोटा सा ही चाहिए उसको और जो ज़रूरत की चीज़ है वो वहाँ पर मौजूद हो वहाँ पे झरना होना चाहिए एक चिड़ियों के चहचहाट हो बुलबुल बुल, -बुल मौजूद हो आ, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें कलियों का फूल होना चाहिए हरियाली होनी चाहिए ये तमाम चीज़ों का जिक्र वहाँ पर किया गया है आगे चल और भी इसी तरह के मंज़र को बयान किया यानी कहने का मतलब ये जो आप पसमंज़र आ, अगर उस जगह पर पहुंचकर कर देखें और जो देखें कि सारा मंजर किस तरह से उस मंजर को बड़ी खूबसूरती के साथ जो है बहुत ही आसान अल्फाज में इस नज्म में बयान किया गया है आखिर में जब इसको करते हैं पढ़ते हैं तो यहाँ से अब मकसद की तरफ पहुंचते हैं मकसद उसका क्या है वो मकसद ये है कि जो मेरा घर है वो एक इस तरह का नमूना हो या इस तरह की मिसाल हो कि रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो यानी रात के अंधेरे में जब कोई रास्ता ना नजर आ रहा हो कुछ भी नजर नहीं आ रहा थक गए हैं लोग तो जब थक चुके हों तो उस वक्त उनकी उम्मीद जो है वो मेरा टूटा हुआ दिया दूर से अगर कोई रोशनी नजर आती है तो उस जानब आदमी बढ़ता है उम्मीद बनती है तो वो जो उम्मीद है वो ख़ास अहमियत रखती है कि मेरा जो ये जो टूटा हुआ दिया है वो एक उम्मीद की शक्ल लेकर आए यानी मेरी अपनी जो आ, ज, आ, वजूद है मेरा अपना वो वजूद जो है वो दूसरों की बेहतरी के लिए एक उम्मीद का आ, की मिसाल रख रहा हूं। बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे जब आसमां पे हर सू बादल घिरा हुआ हो यानी बिजली बिजली कब जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो आसमान पे चारों तरफ अंधेरा घनघोर अंधेरा छाया हुआ हो तब वो बिजली चमक रही हो यानी चारों तरफ जब आ, न, न, मायूसी नाउमीदी ये सब की कैफियत हो गई हो तो उस वक्त जो है मेरी कुटिया जो है वो बिजली अगर चमकती है तो उससे वो रास्ता दिख जाए यानी बिजली चमक के उनको मेरी कुटिया मेरी दिखा दे मेरी मेरा घर या मेरी कुटिया दिखा दे पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मौजन मैं उसका हम नवा हूँ वो मेरी हम नवा हो तो पिछले पहर यानी जब सुबह होने होती है तो उससे पहले का जो पहर होता है उसमें कोयल की आवाज़ हमें सुनाई देती है वो जो कोयल की आवाज़ है वो होनी चाहिए सुबह की जो मौज़न यानी अजान आ, जो है होती है वो अजान की आवाज़ होनी चाहिए मैं उसका हमनवाह हूँ वो मेरी हमनवाह हो यानी मैं उस का जाने वाला हूँ या मेरे मेरी हम आवाज़ हो और वो मेरी हम आवाज़ हो इस तरह से जो है ये नज़म आगे बढ़ती जाती है आखिर में हम पहुँच जाते हैं तो फिर यही बात आती है इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले तारों के काफले को मेरी सदा दरा हो यानी इस खामोशी में वो जो अपनी आहोजारी अपनी फरियाद जो अपने खुदा से कर रहा है अपने रब से कर रहा है वो कह रहा है कि इस खामोशी में खामोशी इतनी होनी चाहिए कि उसके जो नाले हैं मेरा जो रोना है या जो, जो मेरी फरियाद है वो इतने बुलंद हो कि उसकी आवाज़ दरा की तरह हो दरा दरा यानी एक जो घंटी होती है okay. जब काफले को रवाना करना होता है तो रवाना करने के लिए वो जो घंटी जरस जिसको कहते हैं जरस की सदा तो जो वो आवाज है मेरी जो मेरे नाले वो जरस का काम करे और वो किस लिए कि तारों के काफले को रवाना करना है यानी वो उसकी हैसियत वो होनी चाहिए हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे यानी हर दर्द मंद दिल जो थोड़ी बहुत जो है इंसानियत के लिए परेशान है फिक्रमंद है उसको जो है मेरी इस बात का असर हो जाए और जो बेहोश पड़े हैं जो गाफिल हैं इन सब चीज़ों से शायद उनको जगह दी ये वो मकसद है जो इस पूरी नज़म में बयान किया गया तो दो तीन चीज़ें खास अहमियत रखती हैं बहुत कम वक्त है मैं उसकी तरफ बढ़ता चलूँ पहली चीज़ तो ये कि शायर ने मनाजर फितरत यानी जो नेचर की जो बयान किया है कैफियत को बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बयान किया है दूसरी चीज़ शायरी की जितनी खूबसूरती आ, आ, जो है अलफ के ज़रिए बयान की गई है इसमें वो अपने आप में ख़ास अहमियत रखती है चाहे वो तजाद बहुत सारे मतजाद अलफ इसमें आए हैं जैसे जलवत है खलवत है सुकूत है तकरीर है या आ, और भी इसी तरह की दूसरी जो अल्फाज है उनको अशार में पेश किया है कि किस तरह से ये होना चाहिए जो इसको इसकी ज़िद्द पर ये चीज़ आ जाए तीसरी चीज़ इसमें जो है अल्फाज जो इस तरह से बयान किया कि पढ़ने पे एक पूरा तसर कायम होता है जी तो ये तो बात हुई इस नज़म की और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे जितने भी तलबा तलबात और नाज्रेन रहे उन्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आई और मुझे लगता है कि सर जो भी इंसान सुकून की तलाश में है उसकी ख्वाहिश यही है कि ये सब चीज़ें उसे मिले और अभी वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि इस सेशन को आगे बढ़ाया जाए इसे हमें यहीं पर ख़त्म करना होगा लेकिन जाने से पहले हम फारूक सर आपको हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं शुक्रिया कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे से ये पूरी नज्म हमारे सभी नाजरन तक पहुँचाए और इतनी तफसील से उन्हें बताई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का शुक्रिया और हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाज़िर होंगे जो कि साइंस के नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है द फिज़िक्स ऑफ साउंड आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे इजाज़त नमस्कार